नमस्कार, बहुत स्वागत है हम सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपरो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर रहे हैं उदयपुर का, जहां पर चाकू लगने से घायल छात्र के मामले में कभी हंगामा तो कहीं आक्रोश दिखाई दे रहा है। हालांकि उदयपुर में तनाव के बीच में जो हालात है वो फिलहाल काबू में है। उधर जिला कलेक्टर SP लगातार मोर्चा संभाले हुए है और अब से कुछ देर पहले आपको बता दें कि छात्र की तबीयत से जुड़ी हुई कुछ गफलत हुई थी। इस मामले में एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया था जब MB अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इमरजेंसी के बाहर लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए थे, वही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, लोगों से समझाइश की और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। इससे पहले सुबह भी आपको बता दें कि शांति के बीच में उस वक्त हंगामे की स्थिति पैदा हो गई थी जब मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में तनाव की स्थिति बन गई थी। नतीजा मुखर्जी चौक के आसपास का जो बाजार खुला था उसे भी बंद करवाना पड़ा और यहां पर भी एक गफलत ने इस तरीके के हालात पैदा कर दिए। पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं जहां पर दो जगह स्थिति बिगड़ती नजर आई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सतर्कता की वजह से तुरंत बातचीत करके मामलों को सुलटाया गया, शांत करवाया गया। अस्पताल में आपको बता दें कि मिलने से रोकने पर आक्रोश देखने को मिला था, तो वहीं घायल छात्र देवराज के परिजन जो है वो बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ में धरने पर बैठे थे और बाद में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उनसे समझाइश की और फिर देवराज के पिता को पुलिस गाड़ी में अस्पताल लेकर गए। मेडिकली जो बच्चा हमारे पास में बिना कोई हार्ट के आया था और जिस टाइम पे कोई भी हार्ट नहीं था, उसको हमने CPR देके रिवाइव किया था और इमरजेंसी में जिस बच्चे को खून बह रहा था इमरजेंसी में थिएटर में लेकर के हमने कोशिश करके उसको ऑपरेशन किया और उसके बाद से लगातार हमारे मेडिकल बोर्ड बना रखा है और वो बोर्ड बाकायदा 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर से भी कल टीम आई थी, उसने भी देख करके पूरा ट्रीटमेंट में सहयोग किया है। आज हमारे पास नेफ्रोलॉजी की सेवाओं के लिए कोटा से भी एक डॉक्टर आए हुए हैं। हमारी टीम पूरी 24 घंटे लगी हुई है, पूरा कोशिश कर रहे हैं और जब तक बच्चे का खुद का सांस है, BP मेंटेन कर रहा है बच्चा, तब तक हम उसका इलाज करेंगे। जरूर यह है कि उसको BP की दवाई रात से हमको बढ़ानी पड़ी है उस तरीके की, क्योंकि जो बच्चा का BP 95-90 से ऊपर चल रहा था वो थोड़ा डिप किया था इस तरीके, पर हमने BP की दवाइयाँ बढ़ाई हैं और हम ईश्वर से उम्मीद ये कर सकते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको आप लोगों के उसमें दुआएँ करें। हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है जो भी कंट्री में अवेलेबल है। तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग कृपया, जो यहाँ पर भी बहुत से लोग भीड़ आप देखोगे, समाज के लोग सुबह आ गए थे, अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ निकलना शुरू हो गए हैं और बाज़ार भी हमारे आज काफ़ी खुल गए हैं और पूरे शहर में भी शांति है और मेरा मानना है कि बहुत जल्द जो है बच्चे को अपन अच्छा स्वस्थ करके अपने बीच से यही आग्रह कर रहा हूं कि अपने अपने घरों को जाएं। इस तरह से भीड़ इकट्ठा होने से ना तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ना बच्चे के इलाज में किसी प्रकार की और अच्छा इलाज होगा। तो निवेदन है कि शांति बना के रखें और उसके परिवार के लोग अंदर हैं उनको हम समय समय पर मिला भी रहे हैं। बच्चा जो है अभी स्थिर है, स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम जरूर आई हैं, डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि किसी प्रकार की अफवाह मत फैलाएं। बच्चे का इस इलाज चल रहा है, क्रिटिकल पोजीशन में है, सारे डॉक्टर्स अपनी पूरी जो जी जान है सब संसाधन लगा करके मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर अव्यवस्था ना फैलाएं। यहाँ पर अव्यवस्था से शोर से जो बाकी मरीज हैं, इलाज है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो कृपया करके सभी शांति से बैठें और बैठ करके हमारा सबका सहयोग करें। लोग अब पूरी तरह से पुलिस ने यहाँ पे मोर्चा संभाला है और जो लोग ठीक इमरजेंसी का जो गेट है उसके बाहर थे या उसके नीचे वाले इलाके में थे उनको थोड़ा दूर किया गया है। कुछ देर पहले जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने लोगों को यहाँ पर माइक पर संबोधित किया था और उनसे एक ही अपील की थी कि आप देवराज के जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, हंगामा नहीं करें, क्योंकि चिकित्सालय परिसर है और यहाँ पर अन्य मरीज भी है, उनके परिजन भी है, उनको भी परेशानी होती है। ऐसे देखिए कि एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि डॉक्टर की टीम पूरा प्रयास कर रही है, बेस्ट एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कोई भी इलाज में कमी नहीं रखी जाएगी।